शिवपुरी के जिला अस्पताल में एक युवक को भर्ती कराया गया है, जहां पर उसका उपचार जारी है। युवक अपनी बहन के यहां अखंड रामायण के पाठ में शामिल होने जा रहा था, तभी रामगढ़ के पास पुलिया के पास गड्ढे में अज्ञात कारणों के चलते गिर गया। जानकारी के अनुसार शिवराज सिंह यादव पुत्र लक्ष्मण यादव उम्र 35 साल निवासी ग्राम कुसुवन थाना इंदौर गुना से देवरा बहन के यहां अखंड रामायण पाठ में शामिल होने जा रहा था, तभी रामगढ़ के पास पुलिया के नीचे गड्ढे में बाइक सहित वो गिर गया। इसकी सूचना ग्रामीणों की सहायता से परिजनों को लगी। परिजन स्वास्थ्य केंद्र बदरवास लेकर पहुंचे, जहां पर अवैध रूप से पैसे मांगकर बाहर से दवाई मंगाई गई और बिना ड्रेसिंग के ही शिवपुरी रेफर कर दिया गया। ऐसे आरोप बदरवास स्वास्थ्य पर उन्होंने लगाए हैं। वहीं शिवपुरी के जिला अस्पताल में युवक का उपचार जारी है। क्या नाम है तुम्हारा? बंटी यादव। कहाँ से आए हो आप? कुसुमन से। कहाँ पड़ता है ये? कुसुमन खतौरा पी रोड के पास। अच्छा, क्या ये कौन है आपके? हमारे चाचा जी हैं। क्या कुछ ये हादसा हुआ है इनके साथ? जी हम मौके पर नहीं थे सर। मतलब क्या कुछ लगा रहा है आपको? अब वो तो सर जब ये बोलेंगे जब ही पता चलेगा। अच्छा, आपको ये मिली कहाँ पे? मिली हमें खंती मंडली मिली है। किस जगह पे? रोड की साइड में। अच्छा। रामगढ़ के थोड़े आगे। कहाँ से आ रहे थे ये? गुना से आ रहे थे। गुना से कहाँ जा रहे थे ये? अरे कदवा से आगे देवरा। देवरा बहन के पास। क्या कोई कार्यक्रम था क्या? कार्यक्रम था। काय का? भंडारा। काय का? जी रामा जी, मतलब रामायण जी का। तो ये कहाँ से रहने वाले, कहाँ के हैं ये? कुसुवन के। कुसुवन के। ये कहाँ पड़ता है? कुसुवन जिला मतलब सेवरी तो ये लगता है, पोस्ट कोटवारा लगता है, तहसील बदरवास लगती है। तो ये कितने बजे की क्या घटना है ये? जी सर 12-11 बजे के फिर में। ये काय से थे? गाड़ी से। कौन सी गाड़ी? स्पोर्ट मतलब सर मोटरसाइकिल। हाँ हमने देखी ही नहीं। तो आपको ये इनकी जानकारी कैसे लगी कि ये इस हालत में है? हमको रामगढ़ वाले रिश्तेदार हैं, उनने मतलब बताया कि जी तो हम पहचान के आदमी अपने हैं, तो उन्होंने हमें कॉल किया तुम्हारे जी डरें। तो फिर आप फिर कहाँ लेके गए इनको? हम बदरवास ले गए फिर। बदरवास क्या हुआ फिर? उसने उन्होंने कितने किया, एक बोतल लगा दी 250 रुपये हमसे, मतलब 250 रुपये हमारे बाहर, हमने उनके लिए उनने हमारी पर्ची लग गई और वो हमसे मंगाए। अब अगर हमारे पास अगर 250 रुपये नहीं होते 200 रुपये तो वो लगाते भी नहीं, इसका मतलब ये है। तो आपसे बदरवास स्वास्थ्य केंद्र पर आपसे पैसे भी लिए हैं अवैध रूप से? नहीं, पर्ची बना कर दी उनने और मेडिकल से लाई है। उसके बाद फिर आप? उन्होंने पट्टी भी नहीं की, पट्टी सिप्रियान को हुई है इनकी। अच्छा, तो क्या पूरे रास्ते पर मतलब ऐसे ही रहे? हाँ ऐसे ही रहे। उसके बाद फिर आप ये यहाँ लेके आए? हाँ सर जी यहाँ। कहाँ चोट आई है इनके? सिर्फ यहाँ है। सिर्फ पर? सर के अलावा और कहीं? अब बोलेंगे पता पड़ेगा अंदर कहाँ से क्या है।